बारिश के मौसम में जब आपका भुट्टा खाने का मन करे और तेज बारिश के चलते आप घर से बाहर ना जा पाए तो अब आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मैं मॉल और सिनेमा हॉल में मिलने वाले स्वीट कॉर्न से भी बेस्ट और मजेदार टेस्टी कुछ नए तरीके से कॉर्न बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आई हूँ। मैं हूँ कविता, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सागरवंशी किचन पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्वीट कॉर्न बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर भुट्टा बॉईल करेंगे। तो भुट्टा बॉईल करने के लिए हमने गैस पे एक भगोनी रख दी है। फिर उसमें हम 4 से 5 गिलास पानी डाल देंगे। फिर पानी को गर्म होने देंगे। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद आप इसमें भुट्टे के टुकड़े करके डाल दें। भुट्टा थोड़ा लंबी साइज़ का होता है तो आप 2 टुकड़े करके इसमें डाल सकते हैं और पानी इतना ही रखें कि भुट्टे आधे डूब जाएं। मैंने यहाँ पर ओरिजिनल भुट्टे लिए हैं। आप चाहें तो फ्रोजन कॉर्न भी यहाँ पर ले सकते हैं, वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होते हैं। इसके बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। नमक डालने से भुट्टे थोड़ी जल्दी पक जाते हैं तो हम 5 से 10 मिनट इनको ढककर पका लेंगे। अब 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, भुट्टे को चेक करेंगे तो देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है। वैसे ये ऑलरेडी नरम होते हैं इसलिए इनको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और पानी में से भुट्टों को निकाल लेंगे और ठंडे होने के लिए रख देंगे। अब मैंने गैस पे एक बाउल रख दिया है, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया है और ये मैंने यहाँ पर 5 रुपये वाला मैगी का पैकेट ले लिया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। फिर मैगी को हम गर्म पानी में डाल देंगे। इसको बहुत थोड़ा पकाना है, मात्र 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर पानी में इसको डाल के पकाया था। मैं अपनी कुछ डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न के साथ मैगी का यूज़ किया है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है हमारी रेसिपी। तो देखिए ये बॉईल हो चुकी है, अब इसे हम अलग से निकाल लेंगे, मतलब कि इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसका पानी निकाल के इसको एक प्लेट में ले लिया है। अब गैस पे एक कढ़ाई रख दें, कढ़ाई में 1 पीस आप बटर का डाल दें, बटर को मेल्ट होने दें। हम यहाँ पर बटरी स्वीट कॉर्न बना रहे हैं तो बटर का उपयोग किया है, आप चाहें तो ऑयल या घी भी ले सकते हैं। जब आपका बटर मेल्ट हो जाए उसके बाद आप इसमें 2 से 3 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल दें। हरी मिर्च को ब्राउन होने तक पका लें। गैस की फ्लेम को बिल्कुल आप लो रखें। इसके बाद आप इसमें 1 बिल्कुल बारीक कटे हुआ प्याज डाल दें। दोनों को आप ब्राउन होने तक पका लें। जब ये दोनों चीजें पक जाएं उसके बाद आप इसमें स्वीट कॉर्न डालें। हमने जो भुट्टा बॉईल किया था उसके हमने यहाँ पर सारे दाने निकाल लिए। स्वीट कॉर्न हमने यहाँ पर 500 ग्राम के लगभग लिए हैं, इसको चमचे की सहायता से चला लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके बाद उबली हुई मैगी इसमें डाल दें। और मैगी के पैकेट में जो मसाला आता है आप वो मसाला भी यहाँ पर डाल दें। तो ये मसाला है, हम इसको पूरा इसमें डाल देंगे। तो मैगी मसाला भी यहाँ डल चुका है। इसके बाद इसमें गरम मसाला डाल दें थोड़ा सा, आधी चम्मच के लगभग मैंने गरम मसाला डाला है। फिर यहाँ स्वाद अनुसार हमने नमक डाला है। याद रहे आपने जो भुट्टे बॉईल किए थे तब आपने नमक डाला था, तो नमक को आप स्वाद अनुसार ही डालें और थोड़ा ध्यान रख के डालें। अब इसको चमचे की सहायता से चला देंगे। ये हम यहाँ पर स्वीट कॉर्न विथ मैगी बना रहे हैं। तो मैगी तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या ना भी डालें। इसके बाद हमने चाट मसाला इसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच।
और चला देंगे इसे। इसके बाद आप इसमें टमाटो सॉस डाल दें, एक चम्मच हमने टमाटो सॉस इसमें डाल दिया है। इसके बाद हमने एक चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस इसमें डाला है। इसके बाद हमने यहाँ पर आधी चम्मच के लगभग इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया है। फिर से इसको चला देंगे। देखिएगा आप, ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होगा। अब इसमें हमने धनिया पत्ती डाल दी है। धनिया पत्ती डालने के बाद भी हम इसे मिला देंगे। और सबसे मेन चीज़ हमारी यहाँ पर, इसमें हम मायो डालेंगे, मेयोनीज में डाल देंगे। एक ग्लास मेयोनी हमने यहाँ पर यूज़ की है, तो आप ज़रूर डालें। फिर से इसको मिला दें डालने के बाद। इससे फ्लेवर बहुत ज़ोरदार आता है, मतलब एकदम चटपटा और स्पाइसी हमारा यहाँ स्वीट कॉर्न बनके तैयार हुआ है। आप भी मेरी रेसिपी को घर पे ट्राई करते हैं और अपनी फैमिली वालों को बना के खिलाते हैं तो यकीन मानिए आपके घर वाले आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे और आपसे बार बार इसी रेसिपी को बनाने की डिमांड भी करेंगे। तो देर किस बात की, प्लीज़ जाइए और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिए। और हाँ, मुझे भी कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा आपके फैमिली वालों ने आपकी कितनी तारीफ़ करी, आपको क्या कमेंट दी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो आगे तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।